Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the fifth question of exercise 6.5. Last fourth question itna easy tha, utna hi question ye bhi easy hai. Yahan pe hume given hai ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC. If AB square equals to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. So ji pehle hume bol rakha tha ki right triangle aur isosceles triangle hai, ye prove karo. अब हमें ये दे दिया, हमें प्रूफ करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल. तो फिगर बना लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल जैसे ही बनाएंगे इसको. अब हमें यहाँ पे इसको देनी है, यहाँ पे नेमिंग करनी है. लेट्स कॉल दिस ए बी सी. और हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल है बी सी के. अगेन हाइपोटेन्यूज को हम इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस तरह से नेमिंग करी है. अब हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ लिख लेते हैं. देखो ए बी स्क्वायर इक्वल है ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. सो वॉट आई कैन राइट इज ए बी स्क्वायर. नाउ ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब जो उस क्वेश्चन में करके आए उसका रिवर्स कर रहे हैं. सो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब, अब देखो ए सी इक्वल है बी सी के, तो मैं ए सी की जगह बी सी भी लिख सकती हूँ. सो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल है जी ए बी स्क्वायर. सो यहाँ पे मेरी पाइथागोरस, एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, यहाँ पे मेरी पाइथागोरस थ्योरम बन गई है. अब देखो जब एक आपके पास दे रखा होता है 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये लिख रहे हैं. अब मैं यहाँ पे पहले पहुंच गई, अब इसकी हेल्प से मैं लिख रही हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो हम उसको लिखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. So by converse of Pythagoras theorem, I can say that triangle ABC is a right triangle. ठीक है जी, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था. सो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.